तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है फाउंटेन्स। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऐसे वीडियोस में। मेरा नाम है सतीश। बहुत 4-5 दिन के बाद वीडियो आ रही है, तो आज मैं जा रहा हूँ लोअर परेल में। हमारे यूट्यूबर्स का एक छोटा सा मीटअप है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कौन से यूट्यूबर्स आने वाले हैं लोअर परेल में। हम मीटअप भी करने वाले हैं और उसके बाद एक पिक्चर का प्रीमियर भी है, वो इस वीडियो में तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जो यूट्यूबर्स आएंगे उनसे बातचीत होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहुंच गया हूँ लोअर परेल स्टेशन। अब लोअर परेल वेस्ट में जाना है और शायद नज़दीक है यहाँ पे PVR सिनेमा, तो वहाँ पर मीटअप है। दोस्तों, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं लोअर परेल PVR सिनेमा, वहाँ पर यूट्यूबर मीटअप है और फिर उसके बाद हम लोग मूवी भी देखने वाले, प्रीमियर है। दोस्तों, बहुत ही मनमोहक दृश्य है फाउंटेन्स और फूलों का चित्र है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है फाउंटेन्स, बहुत खूबसूरत दृश्य है। और अभी मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ से, यानी आगे उसमें आ गया हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं अभी मुझे कहाँ जाना है। PVR आइकॉन आ चुका हूँ। बाप रे, कितनी बड़ी स्क्रीन है, बहुत ही खूबसूरत एरिया लग रहा है। और भी आप PVR यहाँ से ऊपर जाना है दोस्तों, इससे जाना है ऊपर सर। अपने मित्र भेटले है सूर्या रवाने, खूब दिवसानी काय चाललंय बाकी? हम लोग मिलिन खोप का अंदर आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त है, झूमर बगा झूमर देखिए, सुपर। सर आपले मित्र आलेले आहेत मिलिन खोत। नमस्कार मिलिन खोत, फक्त असं ते गणेश वाटपे यूट्यूबर आहे सगळे, नंबर मित्र आहे हे मिलिन खोत, सूर्या, गणेश। हाय गणेश, हाऊ आर यू? नमस्कार, कसं चाललंय सगळं? यूट्यूब वगैरे कैसे चल रहा है आपका? यूट्यूब फर्स्ट क्लास, अब बढ़िया चल रहा है आज का पिक्चर दोस्तों, बढ़िया फोटोज लगे सारे, स्क्रीन नंबर 3 अंदर पहुंच गए। ये स्क्रीन है PVR, नहीं बघितलं वीडियो बघितलं मी, छान होता। आता जसं की हमारे ऑरेंज दोस्त आहे गणेश राहटे, पिक्चर देखो, कौन सा पिक्चर देखने आया? गुड्डी वाला पिक्चर, तेरा नाम आई थे उसको ही नहीं मालूम। तो बस्तर पिक्चर ये देखने आए हैं और हमारे दोस्त मिलिन को गणेश आए हैं और थोड़ी देर में मूवी शुरू होने वाली है PVR लोअर परेल। बहुत ही जबरदस्त झूमर है सामने, अरेंजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है। Five hours in the tribals. And so, दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मूवी है, लाइन लगा के खड़े हैं स्नैक्स के लिए। मित्रांनो, आम्हाला हे स्नैक्स भेटतील आहे, उनका तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। केरला स्टोरी के बाद वापस एक पावर पैक विषय लेके वो अपने साथ आइए, जो ठीक है ठीक। और राधा जी, हम इंटरवल में बात कर रहे थे, ये विषय सिर्फ भारत का नहीं है, ग्लोबल विषय है, नक्सलिज्म और लेफ्टिज्म ग्लोबल विषय है। और इंदिरा तिवारी जी है जिन्होंने रत्ना का कैरेक्टर इसमें मूवी देख पा रहे हैं, और विपुल भाई आने वाले थे वो आ नहीं पाए, सुदुप्ता दा भी आने वाले थे दिल्ली में, दोनों की फ्लाइट डिले हो गई, तो पूरी टीम हमारे साथ रहने वाली थी।
इतना ही नहीं, आप सबको जो रिव्यू देना है, आपको आदा जी का 5-10 मिनट समय मिलेगा, तो जो अपनी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में सबने अपना समय यूज करके वहां पे उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और इस मूवी के बारे में आज जेएनयू आ रही थी वो स्क्रीनिंग, जेएनयू में जो स्क्रीनिंग हुई उसमें थोड़ी इंटरप्शन लाने की कोशिश की गई, तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ये सब सारी चीजें आप दुनिया के सामने लाइए। और मैं अभी आदा जी से विनती करता हूँ कि वो भी 2 शब्द हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपको ऐसे विषयों में हाल ही में बहुत रुचि आ रही थी, उसका उसकी प्रेरणा स्थान क्या है? जी, पहली बात तो थैंक यू केरला स्टोरी को इतनी बड़ी हिट बनाने के लिए, ताकि अभी हम लोग और ऐसी मूवीज बना सकते हैं। आई रियली होप दिल से आपको ये मूवी अच्छी लगी। एंड यू नो, जब हम लोग मूवीज बनाते हैं, एक डायलॉग है नीरजा माधवन का मूवी में, भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाही को देता है। एंड राइट नाउ आई फील कि हम लोग सब वो शक्तिशाली सिपाही है, क्योंकि जंग अभी शुरू है, बिकॉज वी डोंट नो कि थिएटर्स मिलेंगे कि नहीं, कितने स्क्रीन्स मिलेंगे, कैसी टाइमिंग्स होगी। मेरी मॉम बुक करना चाहती थी और वो बुक माई शो पे गई, और जुहू और बैंड्रा में शोज है ही नहीं, हम लोग दिल्ली में थे, तो वो मुझे फोन करके पूछ रही थी कि मैं कहाँ देखूँ मूवी। तो आई डोंट नो ये मूवी कैसे थिएटर्स तक आएगी, आई डोंट नो। इवन केरला स्टोरी के 2 दिन पहले हम लोग को लगा कि बैन हो जाएगी और कभी रिलीज नहीं होगी। इस बार तो क्योंकि आप लोगों ने सब केरला स्टोरी को सपोर्ट किया, तो ये मूवी यहाँ तक तो आई। अभी यहाँ से आई गेस आप लोगों के हाथ में ही है, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं है, आपका और ऊपर वाले के हाथ में है। तो आई थिंक सपोर्ट करिए, एंड आप देखो आप कितना आप इसको कोने कोने तक लेके जा सकते हो। थैंक यू। आप लोगों में भी काफी हिम्मत है, क्योंकि जब केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तो लोग मुझे पूछते कि आपको थ्रेड्स मिले सब, बट ऑडियंस का भी बहुत विरोध हुआ था। हाँ, पर आप लोगों को भी लोगों ने कहा कि थिएटर जला देंगे, पर आप लोगों ने भी कहा हम लोग देखेंगे, जला दो। तो पूरे भारत के लोगों में इतनी हिम्मत है, तो मैं भी ऑर्गेनाइज किए थे मैम। थैंक यू। हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए, बॉलीवुड में कोई भी नहीं है इतना पावरफुल। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कॅम्पेन चालवलं, त्याच्यामध्ये जवळपास आमच्या 20-25 मुलांना अटॅक झाला, म्हणजे त्यांना पकडून पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले। ते एवढ्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आम्हाला जे काही फेस झालं त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही जास्त फेस केलंय, तर सगळ्यांनी एकदा तुमच्यासाठी खरंच टाळ्या। आणि सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे आजची युवक या सगळ्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहे, आज तुम्ही आमच्यासाठी इन्स्पिरेशन आहात, तुमच्याकडे बघून सांगा सगळ्या। दोस्तों, पिक्चर मूवी खत्म हुई, मूवी का नाम मस्त है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, आप जरूर देखिए थिएटर में जाकर। तो आज ये स्पेशल शो था, कल शायद रिलीज हो रही है मूवी, और जो मेन थे वो आए हुए हैं। हम लोग वापस आते हैं, बाहर आपको लगता है हम लोग को दूसरा शो खत्म हो गया बाजू में। जिस समय में धूप से जुड़ा उनसे बातचीत करी, हमने वैसे ओके थैंक यू। हेलो, नाम क्या है? दोस्तों, मूवी देख के हम लोग बाहर आए हैं बस्तर, और ये एकदम बस्तर हो गया देख के, मतलब काफी आर्टिस्टिक मूवी है, बहुत ही बेहतरीन काम किया सब लोगों ने। लेकिन मैं तो ये अपने दिमाग और दिल से ये मानता हूँ कि मैं किसी स्टोरी पे बिलीव नहीं करता जब तक मैं इस पर रिसर्च ना करूँ। नक्सल क्यों, कैसे होते हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है, पॉलिटिशियन क्या है, लेकिन अपना दोस्त बताएगा।
सब्जेक्टिव है और हर एक को पता होना चाहिए क्या है क्या चल रहा है। बॉर्डर के बाहर का तो सबको पता चलता है न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन इंटरनल जो वायलेंस रहता है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसी मूवीज़ है जिनको प्रमोट करना ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस हो सके लोगों में और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके कि इंटरनल क्या चल रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मेरे साथ अपने दोस्त है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसका। मैं संकेत जट्टा। कैसी लगी बस्तर मूवी? बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप एक मूवी के लिए जो सोच के आते हो माइंड से, तो उससे बहुत डिफरेंट मूवी है। नहीं मतलब नक्सलवाद सच में आपने कभी फेस किया है क्या? मगर ये भी एक बहुत डेंजर टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक बोल सकते हैं। इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए इस पर। यानी एक्चुअली हम तो स्टार्टिंग से सब जो न्यूज़ में या इसमें पेपर में तो हम तो अभी तक तो पढ़े हुए हैं, मगर इतना डिटेल में एक्चुअली इसके यानी हम जो बिहाइंड स्टोरी क्या चलती है, इन्होंने जो दिखाया मतलब सच में दिखाया है क्या आपको लगता है? रियलिटी कुछ भी फेक नहीं, कुछ भी मिर्च मसाला नहीं, एकदम रियलिटी। जो समझो प्रॉपरली स्टोरी लाइन होना चाहिए, स्टोरी लाइन मतलब जो प्रॉपरली हुआ है, तो समझो जैसे हम लाइन टू लाइन ही बोलेंगे कि लाइन टू लाइन दिखाया है, ना ऊपर ना नीचे, ना मिर्च मसाला। एक्चुअली मैं तो कोई नक्सलवादी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे चीज़ के फेवर में हूँ कि क्या होता है कुछ फिल्में हमें ऐसे दिखाई जाती है एक प्रोपोगंडा के तहत। तो क्या लगता है आपको, कोई प्रोपोगंडा तो नहीं है ना? यानी इसमें भी प्रोपोगंडा क्या हो सकता है? मतलब अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ माहौल बनाओ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अगर देखो, अगर इसमें भी एक छोटी सी बात होता है, अगर मूवी से ही अगर रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर समझो कुछ मूवीज जो आती है जो एक पर्टिकुलरली समझो पार्टी के तरफ से दिखाते हैं या कोई भी सत्ता को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें तो एक्चुअली आप नक्सलवादों की तरफ से देखेंगे तो सत्ता को गिराने की जितनी कोशिश की है वही मैक्सिमम वही दिखाया हुआ है कि सत्ता कैसी गिराई जाए और नक्सलाइट्स कितने पावरफुल है वही दिखाया गया है। तो हम जी ही दोस्तों, ये हमारी पूरी टीम मूवी के लिए आई थी बस्तर, लोअर पर हिल फिनिक्स मॉल टीम है अपनी। स्टैंड देना तेरा, चला बैठो यार। ए बाबा,